हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अवर चैनल इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट 46 ऑफ चैप्टर नंबर 12 चैप्टर का नाम है पैरीमीटर एंड एरिया ऑलरेडी इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फार्मूला ऑफ पैरीमीटर एंड एरिया फॉर रेक्टेंगल एज वेल एज स्क्वायर ऑलरेडी बच्चों हमने प्रीवियस लेक्चर में फार्मूला डिस्कस किया है पैरीमीटर का फार्मूला हमने देखा है पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड एरिया का भी फार्मूला हमने देखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ स्क्वायर तो ये चार फार्मूले तो आपको याद होंगे एक और फार्मूला आपको ऐड करना है एरिया ऑफ अ ट्राएंगल का एरिया ऑफ अ ट्राएंगल का फार्मूला होता है एरिया ऑफ अ ट्राएंगल ट्राएंगल का फार्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट ये एक फार्मूला आपको और ऐड करना है इस फाइव फार्मूलेस की हेल्प से हम प्रैक्टिस फोर्टी सिक्स को सॉल्व करेंगे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन है यहाँ पे अ पेज ऑफ़ अ कैलेंडर इज फोर्टी फाइव सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर वाइड वॉट इज इट्स अ एरिया हमें यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करना है किसका एरिया फाइंड आउट करना है कैलेंडर के पेज का देखो लिखा है अ पेज ऑफ अ कैलेंडर इज फोर्टी फाइव सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर वाइड मतलब हमें कैलेंडर के पेज का एरिया फाइंड आउट करना है ऐसे हो सकता है आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो कैलेंडर का ये पेज हो गया ये इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है मतलब ये रीजन फाइंड आउट करना है लेंथ दिया है फोटी फाइव इसका वाइडनेस यानी कि ब्रेथ दिया है ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर अब यहाँ पे ये जो कैलेंडर का पेज है ये कौन से शेप का है ये रेक्टेंगुलर शेप का है तो हम किसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड आपको क्वेश्चन को पढ़ के भी समझ में आ रहा है क्वेश्चन में लेंथ भी दिया है ब्रेथ भी दिया है इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी शेप की हम बात कर रहे हैं वो कैसा शेप है रेक्टेंगुलर शेप है तो कैलेंडर का जो पेज है यहाँ पे वो कैसा है रेक्टेंगुलर शेप का है तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे लेंथ 45 सेंटीमीटर देन हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रेथ हो जाएगा 26 सेंटीमीटर इसके बाद एरिया ऑफ ऑफ अ अ पेज कैलेंडर यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ अ पेज ऑफ अ कैलेंडर अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो पेज है कैलेंडर का वो रेक्टेंगुलर शेप का है तो फार्मूला किसका अप्लाई होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों यहाँ पर लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है अब लेंथ का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है फोर्टी फाइव तो लिख दो फोर्टी फाइव ब्रेथ का वैल्यू दिया है ट्वेंटी सिक्स यहाँ ट्वेंटी सिक्स लिख दो, दोनों को मल्टीप्लाई करो यहाँ पे फोर्टी फाइव को ट्वेंटी सिक्स से मल्टीप्लाई करते सिक्स फाइव ज़ा थर्टी जीरो थ्री कैरी सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर प्लस थ्री ट्वेंटी सेवन यहाँ क्रॉस का साइन फाइव टू 10 01 जीरो वन कैरी फोर टू जी एट प्लस वन नाइन सबको ऐड करेंगे तो आंसर मिलेगा यहाँ वन वन सेवन जीरो लिख लिख देंगे देंगे और क्या होगा हो हो जाएगा क्योंकि सेंटिमेटर, सेंटिमेटर से हो रहा है अब पे पे हम एरिया ऑफ अ पेज ऑफ अ कैलेंडर इज वन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड सेवेंटी सेंटीमीटर स्क्वायर नाउ द सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन है वॉट इज़ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद बेस फोर पॉइंट एट सेंटीमीटर एंड हाइट थ्री पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है बच्चों हमें एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में दिया है बेस बेस का वैल्यू है फोर पॉइंट एट सेंटीमीटर एंड हाइट है ट्राइंगल का यहाँ पर ट्राइंगल का हाइट है थ्री पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे डायरेक्टली एरिया ऑफ़ ट्राइंगल एरिया ऑफ अ ट्राएंगल का फॉर्मूला है यहाँ पे हाफ़ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट हाफ़ की जगह हाफ़ ही लिखना है आपको बेस की जगह आप लिखोगे फोर पॉइंट एट हाइट की जगह आप लिखोगे थ्री पॉइंट सिक्स अब इसके बाद इसको कैंसिल करोगे टू वन ज़ा टू इसको मैं डिफरेंट कलर से कैंसल कर देती हूँ तो आपको समझ में आएगा ठीक है टू वन ज़ा टू यहाँ पे टू टू ज़ा फोर डेसिमल पॉइंट एज़ इट इज़ टू फोर ज़ा एट तो फिर क्या हो जाएगा टू पॉइंट फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री पॉइंट सिक्स हो जाएगा अब साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं टू पॉइंट फोर थ्री पॉइंट सिक्स सिक्स फोर ज़ा ट्वेंटी फोर फोर टू कैरी सिक्स टू ज़ा टूवेल्व ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन फोर थ्री ज़ ट्वेल्व वन कैरी थ्री टू जिक्स प्लस वन सेवन एड कर दो सबको फोर एज इट इज़ फोर प्लस टू सिक्स सेवन प्लस वन एट अब यहाँ पर देखो मैंने सर्कल किया है यहाँ पर वन ये मैं वन लिख रही हूँ और इसको मैं टू लिख रही हूँ तो वन प्लस टू दो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आएंगे तो हम क्या करेंगे हमारा जो ये सॉल्यूशन है यहाँ पे हम पीछे से दो डिजिट पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो एट पॉइंट सिक्स फोर ठीक है एट पॉइंट सिक्स फोर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा एंड अगेन एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर तो हम आंसर लिखेंगे फाइनल में थर्स द एरिया द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज एट पॉइंट फोर सेंटीमीटर स्क्वायर आई होप कि आपको समझ में आया होगा बहुत ही ईजी है खाली आपको फॉर्मूला याद करना है एंड फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है उसको फर्दर सॉल्व करना है हो गया सॉल्व नाउ सीधा थर्ड क्वेश्चन वॉट इज द वैल्यू ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ अ लैंड सेवेंटी फाइव पॉइंट फाइव मीटर लॉन्ग एंड थर्टी पॉइंट फाइव मीटर ब्रॉड एट द रेट ऑफ थाउजेंड रुपीज पर स्क्वायर मीटर क्वेश्चन का मतलब है बच्चों कि हमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का वैल्यू फाइंड आउट करना है वैल्यू मतलब कि उस प्लॉट का कॉस्ट कितना होगा उस प्लॉट का प्राइस कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है ठीक है अब यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है सपोज़ ये मैंने एक रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल बना दिया ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसका जो लेंथ है वो है सेवेंटी फाइव पॉइंट फाइव मीटर इसका जो विड्थ है वो कितना है थर्टी पॉइंट फाइव मीटर यहाँ पे दिया हुआ है मैं सर्कल कर देती हूँ क्वेश्चन में अब हमें क्या फाइंड आउट करना है इस पूरा रेक्टेंगुलर प्लॉट का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है मतलब इसका हमें प्राइस फाइंड आउट करना है कि ये प्लॉट कितने का है अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमें ये जो पूरा एरिया है ये पूरा पर्पल कलर कर दिया मैंने ये पूरा हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों इस पूरा का मतलब रेक्टेंगुलर प्लॉट का हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा ठीक है बट एरिया फाइंड आउट करने से तो हमें क्या मिलेगा रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया ही मिलेगा ना और जो एरिया मिलेगा वो किस यूनिट में मिलेगा मीटर स्क्वायर में मिलेगा मतलब कुछ ना कुछ आंसर हमें मिलेगा मीटर स्क्वायर में जो क्या होगा रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया होगा अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आगे क्या दिया है कि रेट ऑफ अ थाउजेंड रुपीज पर स्क्वायर मीटर एक स्क्वायर मीटर का जो रेट है वो कितना है थाउजेंड रुपीज़ है तो जब हम एरिया निकालेंगे तो कुछ हमें आंसर में मिलेगा नंबर उतना नंबर क्या होगा इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया होगा उसे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे थाउजेंड से क्योंकि थाउजेंड क्या है पर स्क्वायर मीटर का रेट है तो थाउजेंड से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पूरे रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड का वैल्यू मिल जाएगा ओके सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा अब हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ यहाँ पर लिखेंगे लेंथ सबसे पहले तो लेंथ कितना है लेंथ है यहाँ पर सेवेंटी फाइव पॉइंट फाइव मीटर इसके बाद आप चाहिए तो यहाँ ब्रथ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे ब्रेथ भी लिख सकते हो थर्टी पॉइंट फाइव मीटर ठीक है अब इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे एरिया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड क्योंकि प्लॉट क्या है रेक्टेंगुलर शेप में है तो फार्मूला किसका आएगा बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल का तो यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कर देंगे लेंथ कितना है सेवेंटी फाइव पॉइंट फाइव है ब्रेथ कितना है थर्टी पॉइंट फाइव है अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं सेवेंटी सॉरी सेवेंटी फाइव है तो सेवेंटी फाइव पॉइंट फाइव यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सेवेंटी फाइव पॉइंट फाइव और यहाँ पर थर्टी पॉइंट फाइव इसको मल्टीप्लाई करते फाइव फाइव ज़ार ट्वेंटी फाइव टू कैरी फाइव फाइव ज़र ट्वेंटी फाइव प्लस टू ट्वेंटी सेवन अगेन टू कैरी फाइव सेवनजा थर्टी फाइव थर्टी फाइव प्लस टू थर्टी सेवन देन क्रॉस साइन जीरो को मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर से तो जीरो ही आएगा अगेन टू क्रॉस फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन वन कैरी फाइव थ्री ज़रा फिफ्टीन प्लस कैरी वाला वन सिक्सटीन वन कैरी सेवन थ्री जॉ ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन प्लस वन ट्वेंटी टू हो जाएगा अब सबको ऐड करोगे तो फाइव सेवन सेवन प्लस फाइव होता है टूएल्व वन कैरी सिक्स प्लस थ्री नाइन एंड वन टेन वन कैरी थ्री टू तो आंसर आया बच्चों टू थ्री जीरो टू सेवन फाइव और जो नंबर आपने मल्टीप्लाई किया है देखो मैंने यहाँ पे सर्कल किया है जो नंबर आप मल्टीप्लाई किए हो सेवेंटी फाइव पॉइंट फाइव एंड थर्टी पॉइंट फाइव इसमें आप डेसिमल पॉइंट को काउंट करोगे फर्स्ट वाले नंबर में एक डिजिट के बाद है दूसरे वाले नंबर में भी एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है तो मतलब वन प्लस वन क्या हो गया दो तो दो डिजिट के बाद हमें क्या करना है आंसर में डेसिमल पॉइंट लगाना है और डेसिमल पॉइंट हमेशा पीछे से लगाते हैं तो पीछे से दो डिजिट यानी फाइव और सेवन को छोड़ दोगे और सेवन के बाद एक डेसिमल पॉइंट लगा दोगे तो टू थ्री जीरो टू पॉइंट सेवन फाइव ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड बट हमें तो एरिया नहीं फाइंड आउट करना है हमें तो वैल्यू फाइंड आउट करना है एरिया का तो हम वहाँ पर यूज़ करने वाले हैं इसलिए हमने एरिया फाइंड आउट किया अब हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड तो वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर वैल्यू है एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट ठीक है रेट कितना है थाउजेंड रुपीज पर स्क्वायर मीटर एरिया कितना है टू थ्री जीरो टू पॉइंट सेवन फाइव एंड रेट है थाउजेंड रुपीज पर स्क्वायर मीटर यहाँ पे चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ठीक है पर स्क्वायर मीटर अब आप जब टू थ्री जीरो टू पॉइंट सेवन फाइव को थाउजेंड से मल्टीप्लाई करते हो बच्चों तब क्या होता है तब यहाँ पे क्या होगा ये दो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है ना तो हम क्या करते हैं जब डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे अब चलो मैं डेसिमल पॉइंट को यहाँ से हटा देती हूँ ठीक है तो जब हम डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हंड्रेड आ जाएगा क्योंकि दो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट था अगर तीन डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट होता और मैं डेसिमल पॉइंट रिमूव करती तो डिनोमिनेटर में थाउजेंड आ जाता अगर एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट होता और मैं डेसिमल पॉइंट रिमूव करती तो डिनोमिनेटर में टेन आ जाता बट यहाँ पर दो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट था तो मैंने डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर दिया मैंने यहाँ से क्या किया डेसिमल पॉइंट को इरेज कर दिया और डिनोमिनेटर में क्या किया हंड्रेड लिख दिया अब ये दो जीरो और ये दो जीरो कैंसिल होगा अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर आ जाएगा टू थ्री जीरो टू सेवन फाइव जीरो तो आंसर कितना आया रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड का वैल्यू यहाँ पर कितना है ट्वेंटी थ्री लैख टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी सो बच्चों यहाँ फाइनल आंसर हो जाएगा था द वैल्यू ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज ट्वेंटी थ्री लैख टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज आई होप कि यू लाइक द आंसर ठीक है नाउ सी द्वेश्चन हॉल इज ट्व मीटर लॉन्ग एंड सिक्स वर यूज क्वेश्चन का मतलब है बच्चों की एक रेक्टेंगुलर हॉल है मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देती हूँ आपको समझना है कि रेक्टेंगुलर हॉल है रेक्टेंगुलर हॉल का जो लेंथ है वो है ट्वेल्व मीटर रेक्टेंगुलर हॉल का जो विर्थ है वो है सिक्स मीटर अब क्या हुआ है इस हॉल का फ्लोरिंग का काम हुआ है मतलब इसका जो फ्लोर है ये मैं ब्लू कलर से आपको बताती हूँ देखो ये जो फ्लोर है इस फ्लोर का काम हुआ है और इस फ्लोर पे क्या किए गए हैं स्क्वायर टाइल्स को फिट किया गया है देखोगे आप यहाँ तो स्क्वायर टाइल्स लिखा है स्क्वायर टाइल्स को फिट किया गया है जिसका साइड कितना है थर्टी सेंटीमीटर है साइड लेंथ कितना है स्क्वायर टाइल्स का थर्टी सेंटीमीटर है तो हमें फ़ाइंड आउट करना है कि अगर हम थर्टी सेंटीमीटर्स वाले स्क्वायर टाइल्स को फ्लोर पर बैठाते हैं तो कितने टाइल्स पूरे फ्लोर पर बैठ जाएंगे मतलब कितने टाइल्स रिक्वायर्ड होंगे पूरा फ्लोर कवर करने के लिए तो उतने नंबर ऑफ़ टाइल्स हमें फ़ाइंड आउट करना है सिमिलरली यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है कि अगर स्क्वायर टाइल्स का जो साइड लेंथ है वो थर्टी सेंटीमीटर ना होकर के क्या हो जाए बच्चों फिफ्टीन सेंटीमीटर का हो जाए तो ऐसे कितने टाइल्स रिक्वायर है हमें पूरे फ्लोर को फिट करने के लिए ठीक है मतलब पूरे देखो यहाँ लिखा है हाउ मेनी टाइल्स विल फिट इन द एंटायर हॉल मतलब पूरा जो हॉल है एंटायर हॉल में 15 सेंटीमीटर साइड वाले स्क्वायर टाइल्स कितने फिट हो जाएंगे वो हमें फाइंड आउट करना है तो स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन सोल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल एंड विथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल अब आप यहाँ पे ब्रेथ भी लिख सकते हो और विथ भी लिख सकते हो ठीक है तो मैं width लिख देती हूँ सबसे पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल क्या है लेंथ इसका क्वेश्चन में दिया है देखो ट्वेल्व मीटर इसके बाद हम लिखेंगे विथ ऑफ एज इट इज सेम ही लिखना है विथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज इक्वल टू विथ कितना है सिक्स मीटर अब इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों एरिया फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल ठीक है अब हॉल क्या है रेक्टेंगुलर शेप का है तो एरिया किसका आएगा फॉर्मूला किसका आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ और ब्रेथ का ही मतलब वर्थ भी होता है तो ब्रेथ की जगह आपको वर्थ की वैल्यू पुट करनी है सो टीप्लाई बाय सिक्स सोटेल्थ so, सिक्स अब आपको क्या करना है क्वेश्चन में देखो दिया है आपको याद करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे आप मेड की जगह क्या करोगे यहाँ पे लिखोगे एरिया एरिया ऑफ अ स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड थर्टी सेंटीमीटर बट हम एक टाइल का एरिया फाइंड आउट करें तो हम टाइल्स की जगह टाइल लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयर फोर एरिया ऑफ अ स्क्वायर टाइल स्क्वायर टाइल ऑफ साइड थर्टी सेंटीमीटर एरिया ऑफ अ स्क्वायर टाइल ऑफ साइड थर्टी सेंटीमीटर अब यहाँ पे बच्चों जो स्क्वायर टाइल है उसके एरिया का फॉर्मूला हमें लगाना है तो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर तो हम यहाँ लिखेंगे साइड स्क्वायर अब बच्चों साइड स्क्वायर को ऐसे भी तो लिख सकते हैं साइड मल्टीप्लाई बाय साइड तो लिख देते हैं ठीक है थीके? तो साइड कितना है थर्टी मल्टीप्लाई बाय थर्टी लेकिन आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर हॉल है उसका उसका लेंथ लेंथ एंड ब्रेथ दिया दिया है 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 मीटर में और जो स्क्वायर टाइल साइड सेंटीमीटर में तो हमें क्या करना पड़ेगा सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा अब कैसे चेंज करेंगे तो देखो यहाँ पे रफ वर्क में साइड में करा रही हूँ वन मीटर इज इक्वल टू होता है बच्चों हंड्रेड सेंटीमीटर अब दोनों जगह हंड्रेड से डिवाइड कर दो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ठीक है लेफ्ट और राइट दोनों में सो वन अपॉन हंड्रेड मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों वन सेंटीमीटर मतलब अगर सेंटीमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे वन अपॉन हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब आप लोग यहाँ देख सकते हो मैं कलर चेंज कर रही हूँ देखो यहाँ पे थर्टी लिखा है यहाँ पर भी थर्टी लिखा है थर्टी क्या है सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें हंड्रेड से डिवाइड करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे डिवाइड बाय हंड्रेड यहाँ पर भी डिवाइड बाय हंड्रेड यहाँ पर भी एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो गया एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो गया तो 3, 9 and 10 multiply by 10, denominator का जो टेन मल्टीप्लाई टेन लिखा है उसको multiply करोगे तो 100. So 9 upon 100 क्या हो जाएगा बच्चों मीटर तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें यहाँ पे हमें मिल गया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल देन हमने क्या किया एक जो स्मॉल टाइल्स है थर्टी सेंटीमीटर साइड लेंथ वाला उसका हमने क्या किया एरिया फाइंड आउट कर लिया ठीक है अब हम क्या करेंगे ये जो पूरा रेक्टेंगुलर हॉल है उसके एरिया को हम डिवाइड करेंगे किससे बच्चों थर्टी सेंटीमीटर का जो टाइल है उसके एरिए से ठीक है मतलब जो स्क्वायर टाइल है थर्टी सेंटीमीटर साइड लेंथ का उसके एरिया से हम उसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा नंबर ऑफ टाइल्स जो है रिक्वायर्ड वो हमें मिल जाएंगे तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लिखेंगे नंबर ऑफ फिर यहाँ पे बच्चों हम लिख देंगे दे फोर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स ईच ऑफ साइड थर्टी सेंटीमीटर मतलब थर्टी सेंटीमीटर के हमें कितने नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड है तो उसके लिए मैंने आपको क्या बोला एरिया ऑफ फ्लोर को हम डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स से तो एरिया ऑफ फ्लोर अभी हमने फाइंड आउट किया है कितना है सेवेंटी टू मीटर स्क्वायर है तो यहाँ लिख देंगे सेवेंटी टू एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल कितना है तो ये है नाइन अपॉन हंड्रेड तो यहाँ लिख देंगे नाइन अपॉन हंड्रेड अब इस बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा सा मैं चेंज कर देती हूँ लिखने का फॉर्मेट मतलब ये जो मैंने लिखा है इसको ऐसे ना लिख के तो बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना सेवेंटी टू डिड बाय नाइन अपॉन हंड्रेड ऐसे भी तो लिख सकते हैं अब आप लोगों को पता होगा आप लोगों ने देखो फोर्थ फिफ्थ चैप्टर में पढ़ा होगा डिविजन ऑफ अ रैशनल नंबर में आपको याद होगा जब हम लोग टू अपॉन थ्री को डिवाइड करते हैं फोर अपॉन फाइव से तब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं टू अपॉन थ्री को क्या करेंगे हम डिवाइड के जो साइन है उसको मल्टीप्लाई में लिख के सेकंड वाला जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं फाइव अपॉन फोर एंड देन न्यूमिटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से और अगर कुछ कैंसिल होगा तो कैंसिल करके फ्रैक्शन को रिड्यूस कर देते हैं देन जो भी हमें मिल जाता है वो हमारा लास्ट आंसर होता है उसी तरीके से हम यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे सेवेंटी टू एज इट इज लिखेंगे ये जो डिविजन का साइन है इसको मैं मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करूंगी तो नाइन अपॉन हंड्रेड का रेसिप्रोकल हो जाएगा हंड्रेड अपॉन नाइन अब नाइन के टेबल में सेवेंटी एट हंड्रेड टाइल्स रिक्वायर है पूरे फ्लोर को अगर पूरा फ्लोर टाइल्स से फिट करना है तो एट हंड्रेड टाइल्स रिक्वायर होंगे जिसका साइड लेंथ क्या होना चाहिए थर्टी सेंटीमीटर होना चाहिए अब इसके बाद बच्चों देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है इफ लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर टाइल इज फिफ्टीन सेंटीमीटर आगे अगर आपको याद होगा देखो कि क्वेश्चन क्या था थर्टी सेंटीमीटर साइड लेंथ वाले कितने स्क्वायर टाइल्स फिट होंगे एंड उसके आगे ये भी दिया था कि फिफ्टीन सेंटीमीटर साइड लेंथ वाले स्क्वायर टाइल्स कितने फिट होंगे तो थर्टी सेंटीमीटर वाले हमने फाइंड आउट कर लिए कि एट हंड्रेड टाइल्स फिट होंगे पूरे रेक्टेंगुलर फ्लोर में उसी तरीके से अगर स्क्वायर टाइल्स का जो साइड लेंथ है वो फिफ्टीन सेंटीमीटर हो जाए तो ऐसे कितने टाइल्स फिट हो जाएंगे पूरे रेक्टेंगुलर हॉल में ये हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए बच्चों मैंने यहाँ पर लिखा है इफ लेंथ ऑफ अ स्क्वायर टाइल देखो मैं आपको हाईलाइट करके बताती हूँ इफ लेंथ ऑफ अ स्क्वायर टाइल सॉरी इफ लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर टाइल इज फिफ्टीन सेंटीमीटर अगर जो स्क्वायर टाइल है उसके साइड का लेंथ अगर फिफ्टीन सेंटीमीटर हो जाए तो हमें क्या करना होगा हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा एरिया ऑफ अ स्क्वायर टाइल ऑफ साइड फिफ्टीन सेंटीमीटर एंड टाइल जो है स्क्वायर शेप में है तो एरिया का फॉर्मूला किसका आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर का आएगा मतलब स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे तो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड होता है या फिर आप साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं यहाँ पर तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड अब मैं वैल्यू पुट करूंगी फिफ्टीन मल्टीप्लाई बाई फिफ्टीन बट फिफ्टीन क्या है ये सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए फिफ्टीन डिवाइड बाई हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई फिफ्टी डिवाइड बाई हंड्रेड अब आपको इसको फर्दर सॉल्व करना है आप क्या कर सकते हो यहाँ पे आप इसको फाइव के टेबल से कट कर दो फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन फाइव टू टेन, जीरो एज इट इज़ फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन फाइव टू जै टेन, जीरो एज इट इज अब न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा थ्री थ्री ज़ा नाइन डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा टू टू ज़ा फोर जीरो मल्टीप्लाई जीरो तो जीरो ही होता है बट ट्वेंटी का स्क्वायर फोर हंड्रेड होता है एंड ट्वेंटी को ट्वेंटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा फोर हंड्रेड तो एक स्क्वायर टाइल जिसका लेंथ क्या है फिफ्टीन सेंटीमीटर है उसका एरिया कितना हो गया नाइन अपॉन फोर हंड्रेड मीटर स्क्वायर हो गया अब बच्चों हमने यहाँ पे जैसे लिखा था कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स ईच ऑफ साइड थर्टी सेंटीमीटर वैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे देर फोर रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स स्क्वायर टाइल्स ईच ऑफ लेंथ ईच ऑफ क्या लिखा था मैंने ईच ऑफ साइड मैंनेर्टी सेंटीमीटर तो यहाँ लिखेंगे ईच ऑफ साइड फिफ्टीन सेंटीमीटर ठीक है अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा एरिया ऑफ ऑफ फ्लोर एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइड बाय एरिया ऑफ टाइल एरिया ऑफ फ्लोर आया था एट हंड्रेड डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ टाइल से तो नाइन अपॉन फोर हंड्रेड है एरिया ऑफ टाइल अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एट हंड्रेड डिवाइड बाय नाइन अपॉन फोर हंड्रेड अब इसके बाद एट हंड्रेड इट इज लिखेंगे डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो नाइन अपॉन फोर हंड्रेड का बाद हमें इसे सॉल्व करना है बच्चों ठीक है तो फर्दर सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे बच्चे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है एरिया कितना है रेक्टेंगुलर सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर या बोलो रेक्टेंगुलर हॉल सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल कितना है सेवेंटी टू मीटर स्क्वायर है ठीक है तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों सेवेंटी टू ठीक है तो यहाँ मैं लिख देती हूँ सेवेंटी टू सेवेंटी टू इसलिए मैं सोच रही थी कि, कि कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है देखो सेवेंटी टू देन नाइन एट जा होता है बच्चों सेवेंटी टू को मल्टीप्लाई करोगे फोर से तो एट फोर जा थर्टी एज इट इज सो थ्री टाइल्स कितना होगा रिक्वायर होगा अगर हम फिफ्टीन सेंटीमीटर वाले टाइल्स को यूज कर रहे हैं फ्लोर पर ठीक है तो अब मैं फिर से स्टार्टिंग से आपको समझा देती हूँ देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चों की एक रेक्टेंगुलर हॉल है ठीक है रेक्टेंगुलर हॉल का लेंथ है ट्वेल्व मीटर उसका वृथ्थ कितना है सिक्स मीटर अब इस रेक्टेंगुलर हॉल का फ्लोरिंग का काम हमें कराना है फ्लोर पे हमें क्या करना है टाइल्स को फिट करवाने अब हमारे पास दो तरीके के टाइल्स है एक है थर्टी सेंटीमीटर साइड लेंथ वाले एक है फिफ्टीन सेंटीमीटर साइड लेंथ वाले जो टाइल्स है वो स्क्वायर शेप में है तो स्क्वायर शेप में है, मतलब उसके चारों साइड्स क्या है इक्वल है तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला है कि जो स्क्वायर टाइल्स है उसका लेंथ क्या है थर्टी सेंटीमीटर है और एक दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास कि ऐसा एक ऐसा स्क्वायर टाइल्स है जिसका साइड लेंथ फिफ्टीन सेंटीमीटर है तो हमें ये फ़ाइंड आउट करना है कि अगर हम थर्टी सेंटीमीटर वाले टाइल्स को यूज़ करते हैं तो कितना टाइल्स फिट होगा रेक्टेंगुलर हॉल में और अगर हम फिफ्टीन सेंटीमीटर वाले टाइल्स को यूज़ करते हैं तो कितने टाइल्स फिट होंगे रेक्टेंगुलर हॉल में यही हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया हमने सबसे पहले लेंथ लिखा रेक्टेंगुलर हॉल का व्रथ लिखा वृथ्थ का मतलब ही ब्रेथ होता है देन हमने पूरे रेक्टेंगुलर हॉल का एरिया फाइंड आउट किया एरिया कितना आया सेवेंटी टू मीटर स्क्वायर आया इसके बाद हमने क्या किया हमने एक जो स्क्वायर टाइल्स है जिसका साइड लेंथ कितना है थर्टी सेंटीमीटर है उस स्क्वायर टाइल का हमने एरिया फाइंड आउट किया तो जब हमने एरिया फाइंड आउट किया तो हमें एरिया मिला नाइन अपॉन हंड्रेड मीटर स्क्वायर हमें एक स्क्वायर टाइल का एरिया मिल गया हमें रेक्टेंगुलर हॉल का एरिया मिल गया अब हमें नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स फाइंड आउट करना है ठीक है तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा हमने लिखा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स ईच ऑफ साइड थर्टी सेंटीमीटर इतना बड़ा आपको नहीं लिखना है तो आप सिंपली लिख सकते हो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर टाइल्स ठीक है क्योंकि ऊपर या फिर आप ऊपर ऐसे मेंशन भी कर सकते हो ये जितना भी आप पूरा वर्क कर रहे हो सॉल्व कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो स्क्वायर टाइल्स विच हैव अ साइड लेंथ थर्टी सेंटीमीटर ठीक है ऐसा आप मेंशन कर सकते हो अब आपने वैसे मेंशन नहीं किया तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया कि थर्टी सेंटीमीटर वाले टाइल्स की बात हो रही है ठीक है तो कितने नंबर ऑफ़ टाइल्स रिक्वायर है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें रेक्टेंगुलर फ्लो फ्लोर जो है उसके एरिया को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे बच्चों एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स है ठीक है तो एरिया ऑफ अ फ्लोर हमने देखो यहाँ पे लिखा एरिया ऑफ अच टाइल एक टाइल का एरिया हमने नाइन हंड्रेड फाइंड आउट किया तो उससे हमने डिवाइड किया सॉल्व किया तो आंसर आया एट हंड्रेड तो मतलब कि थर्टी सेंटीमीटर वाले एट हंड्रेड टाइल्स रिक्वायर्ड है सिंपली क्वेश्चन अगर अब चेंज हो गया कि क्वेश्चन क्या है अगर टाइल्स का जो साइड लेंथ है फिफ्टीन सेंटीमीटर होगा तो कितने टाइल्स फिट होंगे पूरे रेक्टेंगुलर हॉल में तो मैंने यहाँ पर मैंशन करके लिख दिया थोड़ा कि इफ लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर टाइल इज फिफ्टीन सेंटीमीटर अगर स्क्वायर टाइल के साइड का लाइन 15 सेंटीमीटर हो जाता है तो एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल क्या होगा अगेन सेम फार्मूला लिखेंगे फार्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे 15 मल्टीप्लाई बाई फिफ्टीन मैंने लिखा देन 100 से डिवाइड क्यों किया क्योंकि 15 जो था वो सेंटीमीटर में था मैंने उसको मीटर में कन्वर्ट किया इसलिए हंड्रेड से डिवाइड कर दिया अब उसको सॉल्व किया तो जो स्क्वायर टाइल है उसका एरिया कितना आ गया उसका एरिया यहाँ पर आ गया नाइन अपॉइन फोर देन उसके बाद यहाँ पे देखो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल ईच ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर मतलब 15 सेंटीमीटर वाले कितने टाइल्स हमें रिक्वायरमेंट है पूरे रेक्टेंगुलर हॉल को हॉल uh, को फिट करने के लिए तो इसके लिए हमने क्या किया एरिया ऑफ फ्लोर को हमने क्या किया डिवाइड किया एरिया ऑफ टाइल्स से एंड एरिया ऑफ फ्लोर कितना था सेवनटी मीटर स्क्वायर है ठीक है एंड देन उसको डिवाइड किया एक स्क्वायर टाइल से जिसका साइड लेंथ कितना है फिफ्टीन सेंटीमीटर है तो स्क्वायर टाइल का एरिया है नाइन अपॉइंट फोर हंड्रेड डिवाइड करोगे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड टाइल्स आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सब बच्चों फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे हिज द रेक्टेंगुलर हॉल रिक्वायर्ड 800 टाइल्स ऑफ साइड लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड 3,200 टाइल्स ऑफ साइड लेंथ 15 सेंटीमीटर ठीक है आई होप कि आपको समझ में आया होगा वीडियो वीडियो पसंद आए तो प्लीज प्लीज वीडियो को चैनल को लाइक करिए करिए चैनल सब्सक्राइब सी सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नाउ फिफ्थ गार्डन है गार्डन का इसका हमें पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड आउट करना है अब सबसे पहले मैं आपको रफली समझाती हूँ कि पेरीमीटर का मतलब क्या था पैरीमीटर का मतलब था सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑफ ऑल साइड्स द क्लोज फिगर मतलब ये जो क्लोज फिगर दिया है, ये जो गार्डन का फिगर है इसके सारे साइड्स है इन सबको हमें क्या करना है ऐड कर देना है सब मतलब एडिशन सबको जब हम ऐड कर देंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या होगा पैरामीटर हो जाएगा गार्डन का और एरिया का मतलब क्या होता है एरिया मतलब ये इंटरनल रीजन ये जो पूरा मैंने ब्लू ब्लू किया है ये पूरा क्या है एरिया है गार्डन का अब पैरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे पैरामीटर का फॉर्मूला तो है सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑफ ऑल द क्लोज फिगर बट यहाँ पर कुछ नेमिंग नहीं दिया है तो एक ऑप्शन है आप क्या करो इस फिगर को नेम कर दो ए बी सी डी एफ जी एच आई ऐसे समथिंग अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो द गिवन फिगर हैज थर्टीन साइड्स ठीक है द गिवन फिगर है गार्डन का इसमें कितने साइड्स है थर्टीन सॉरी थर्टीन नहीं है साइड्स है ठीक है कितने साइड्स है ट्वेल्व साइड्स है जब आप इसको काउंट करोगे तो मैं यहाँ लिख देती हूँ देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड साइड्स है एंड ईच साइड हैज इक्वल लेंथ हर एक साइड का लेंथ कितना है इक्वल है तो देयर फोर पैरीमीटर क्या हो जाएगा बच्चों पेरीमीटर हो जाएगा थर्टीन सॉरी यहाँ पे लिख सकते हो पेरीमीटर साइड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ साइड्स ठीक है यहाँ पे लिख सकते हो साइड लेंथ साइड लेंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ साइड साइड लेंथ कितना है थर्टीन है नंबर ऑफ साइड्स कितने ट्वेल्व है? है इसको मल्टीप्लाई करो आंसर आपको मिल जाएगा वो क्या होगा पैरामीटर हो जाएगा गार्डन का एंड एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों एरिया के लिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि ये जो गिवन फिगर है इसके अंदर क्या है फाइव इक्वल स्क्वायर्स प्रेजेंट है देखो अगर मैं गिवन फिगर को इस तरीके से मॉडिफाई कर दूँ ठीक है एक और स्क्वायर इसमें फॉर्म कर दूँ तो इसमें क्या होगा बच्चों वन टू थ्री फोर फाइव कितने स्क्वायर्स है फाइव स्क्वायर्स है तो हम क्या करेंगे एक स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करेंगे ठीक है एक स्क्वायर का जो भी एरिया मिलेगा उस उसको हम क्या करेंगे फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पूरे गार्डन का एरिया ऑफ गार्डन हमें मिल जाएगा ठीक है एरिया ऑफ गार्डन हमें मिल जाएगा ठीक है आई होप कि आपको समझ में आया कि सबसे पहले हमें क्या करना है पैरामीटर फाइंड आउट करना है पैरामीटर के लिए हम लिखेंगे कि द गिवन फिगर हैज ट्वेल्व साइड्स एंड ईच साइड हैज इक्वल लेंथ देन पैरामीटर आ गया एरिया के लिए हम लिखेंगे द गि फिगर हैज़ फाइव इक्वल स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इज फार्मूला अप्लाई करेंगे एरिया फाइंड आउट करेंगे देयर फॉर एरिया ऑफ अ गार्डन इज इक्वल टू फाइव मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ अ स्क्वायर ठीक है तो स्टार्ट करते सोल्यूशन बच्चों समझ में आया होगा आई होप अब सोल्यूशन में यहाँ पर लिख देती हूँ स्टिल अगर आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बोला करो कि नहीं समझ में आया तो मैं आपको और अच्छे से समझाने का ट्राई करूंगी ठीक है अब यहाँ पे लिख देते हैं द गिवन फिगर द गिवन फिगर ऑफ गार्डन द गिवन फिगर ऑफ गार्डन हैज हैजेल साइड्स कितने साइड्स है ट्वेल्व साइड्स है एंड लेंथ ऑफ ईच साइड क्ल हर एक साइड का लेंथ कितना है बच्चों इक्वल है देआर फोर पेरीमीटर ऑफ गार्डन पैरीमीटर ऑफ गार्डन क्या हो जाएगा फॉर्मूला बच्चों साइड लेंथ साइड लेंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ साइड्स साइड लेंथ कितना है थर्टीन दिया हुआ है नंबर ऑफ साइड कितने हैं टेल्व थर्टीन को ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे थ्री टू जिक्स टू वन जो टू थ्री वन जी वन वन जा वन सो वन फिफ्टी सिक्स आ गया तो आंसर आ जाएगा वन फिफ्टी सिक्स एंड क्वेश्चन में मीटर दिया हुआ है तो हम लिख देंगे वन फिफ्टी सिक्स मीटर ठीक है सो पेरीमीटर ऑफ गार्डन क्या आ गया बच्चों वन फिफ्टी सिक्स मीटर अब इसके बाद हमें एरिया गार्डन का एरिया ऑफ गार्डन फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे द गिवन फिगर द गिवन फिगर द गिवन एरिया ऑफ अ स्क्वायर और स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बच्चों एक ही स्क्वायर तो एक स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा फॉर्मूला क्या है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड तो जो एक स्क्वायर है इसका साइड लेंथ आप देख सकते हो देखो मैं इसको सर्कल कर देती हूँ यहाँ पे ये जो एक स्क्वायर है इसका साइड लेंथ कितना है थर्टीन सेंटीमीटर है ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थर्टीन मल्टीप्लाई बाय थर्टीन एंड थर्टीन को थर्टीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है वन सिक्सटी नाइन और यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर कितना आ गया बच्चों वन सिक्सटी नाइन मीटर स्क्वायर आ गया देर फोर एरिया ऑफ अ गार्डन क्या हो जाएगा एरिया ऑफ अ गार्डन गार्डन में कितने स्क्वायर से फाइव स्क्वायर से तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ अ स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ चाहिए तो आप ये लाइन स्किप कर सकते हो ठीक है एरिया ऑफ स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्क्वायर्स अगर आप चाहो तो ये वाला लाइन स्किप कर देना ठीक है तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 169 कितने स्क्वायर से रेक्टेंगल गार्डन में फाइव स्क्वायर से तो फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे 169 सिक्सटी मल्टीप्लाई बाय फाइव कितना हो जाएगा फाइव नाइन ज़ा फोर्टी फाइव फाइव फोर कैरी सिक्स फाइव ज़ा थर्टी प्लस फोर थर्टी फोर थ्री कैरी फाइव वन जो फाइव प्लस थ्री एट सो so, 845 मीटर स्क्वायर ये क्या हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा एरिया ऑफ अ गार्डन ठीक है आई होप कि आपको समझ में आ रहा है सो बच्चों फाइनल आंसर हो जाएगा हिंस द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द गिवन गार्डन इज 156 मीटर एंड 845 मीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली यहाँ पे इज नहीं आएगा यहाँ पे आएगा आर ठीक है सो हो गया बच्चों यहाँ पर प्रैक्टिस सेट फोर्टी सिक्स यहाँ पे फिनिश हो गया ये आंसर आप देख सकते हो यहाँ पे आप चाहो तो इसका एक स्क्रीन शॉट ले लो ठीक है एंड प्रैक्टिस सेट फोर्टी सिक्स यहाँ पर फिनिश हो गया बच्चों सो so, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो